नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड फ्राई। बॉलीवुड में कई फिल्में कॉमेडी की लाइन पकड़कर सुपरहिट हुई हैं। ऐसी ही बॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी है फुकरे। फुकरे फिल्म के अब तक दो पार्ट बन चुके हैं और तीसरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिल्म के दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है। जहां तक कि फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के प्रोडक्शन हाउस ने फुकरे टर्न्स को प्रोड्यूस किया था। फिल्म के तीसरे पार्ट के लिए पुलकित सम्राट और रितेश सिद्धवानी के होने की चर्चा शुरू हो गई है। दोनों ने इसके लिए कंफर्म कर दिया है। पुलकित ने सोशल मीडिया पर रितेश से तीसरे पार्ट के लिए पूछा है। रितेश ने इसके जवाब में लिखा कि ये 2020 में शुरू होगा। अब ये कहने में कोई ग्रेज नहीं है कि जो एक बड़ी खबर है। अभी तक फुकरे 3 के करेक्टर को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ये तो पक्का है कि दर्शकों के रुझान को देखते हुए पुरानी कास्ट ही हो सकती है। दूसरी तरफ रितेश सिद्धवानी के प्रोडक्शन हाउस ने शर्मा जी नमकीन के लिए अभिषेक चौबे और हनी त्रेहान के प्रोडक्शन हाउस से हाथ मिलाया है। फिल्म शर्मा जी नमकीन को हितेश भाटिया डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में ऋषि कपूर और जूही चावला जैसे बड़े स्टार्स भी नजर आएंगे। फिल्म फुकरे के स्टार्स आजकल शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में बोली पंजाबन का किरदार निभाने वाली रिचा चड्डा और अली फैजल जल्द ही शादी कर सकते हैं। दोनों की डेटिंग की खबरें लंबे समय से इंटरनेट पर शाई हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा भी शादी के बंधन में बंध सकते हैं। कृति को पुलकित सम्राट के कई निजी प्रोग्राम में स्पॉट किया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।